गाइज वेलकम टू नैनम कुजीन। आज हम बनाएंगे धमाकेदार बिरयानी, कराची की बिल्कुल ऑथेंटिक बिरयानी रेसिपी। चलें इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें भी आपने चावल बनाने हैं वो देशी ले लीजिए। पहले हम डालेंगे पानी 6 कप्स, इसके अंदर हम डालेंगे आलू, टमाटर डालेंगे, टमाटर और आलू को थोड़ा सा हिला लें पानी में। हम डालेंगे हल्दी और चिकन मसाला जो हमने मिक्स किया था वो, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, बादियान के फूल, नमक, बिरयानी मसाला, छोटी इलायची डालेंगे, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट हम जो है पानी को पकाएंगे ताकि पानी जो है वो थोड़ा गर्म हो जाए और पानी में जो है वो जोश आ जाए। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही को जो है वो आपने अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। अब हम तेज़पात डालेंगे। हम जो है वो बॉयल आने का वेट करेंगे, जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें चिकन डालेंगे अपना। चलें जब तक पानी में बॉयल आए तब तक हम जो है वो राइस बना लेते हैं। चावल जो है वो 4 कप हैं, हमने जिसमें भी आपने चावल उबालने हैं वो बर्तन ले लीजिए और उसमें कम से कम 8 to 9 कप पानी डाल दीजिए। तो हम जो है वो 4 कप राइस के लिए तकरीबन 8 to 9 कप पानी लेंगे। 3 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें नमक डाल दीजिए। चलें जब तक पानी में उबाल आता है हम देख लेते हैं हमारे मसाले की क्या सिचुएशन है। पानी में जो है वो बॉयल आ गया है, अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। अब हम बिरयानी मसाला डालेंगे जो हमने खुद ग्राइंड करके बनाया है, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूं हैं: जावित्री 1, जायफल 1 छोटा टुकड़ा, साबुत काली मिर्च 15 से 20, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, लौंग 6 से 7। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। फूड कलर हम लेंगे ऑरेंज, फूड कलर हम लेंगे 1/4 टीस्पून, मिक्स इट वेल। सूखा धनिया डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे, मिक्स इट वेल। मसाले को अब हम फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे और उसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। चलें अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें अपने राइस डालेंगे। मिक्स इट वेल। हमने चावलों को 75% पकाना है। मैं आपको कंडीशन बताऊंगी जब 75% पक जाएगा। अब मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं तो इसमें जो इसको 75% पकने में तकरीबन 5 to 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से राइस यूज़ कर रहे हैं। मिनट हमें हो गए हैं, चले देखते हैं मसाले की कंडीशन। मसाले से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्रीडियंट्स जो हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे तली हुई प्याज। प्याज़ों को जो है वो आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी हमारे आलू में थोड़ी कसर है और चिकन जो है वो भी अभी पकना बाकी है, तो जब तक 75% हमारे चावल रेडी होंगे तब तक ये भी जो है वो रेडी हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैं चावल तोड़ रही हूँ तो चावल जो है वो बहुत आसानी से नहीं टूट रहा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। हमें बिल्कुल यही जो है वो कंडीशन चाहिए चावलों की। तो चलें हम चूल्हा जो है वो बंद करते हैं और पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं। 5 से 6 मिनट हमें हो गए हैं, अब हम इस पॉइंट पे नमक चेक करेंगे। पानी जो है वो थोड़ा सा कड़वा होना चाहिए, थोड़ा सा तेज होना चाहिए, तो जो है वो नमक आपके राइस में कंप्लीट पूरा होगा। अब हम डालेंगे इसमें धनिया पुदीना। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने राइस डाल देंगे। आप राइस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें ऊपर।
अब हम इसके अंदर खेवरा वाटर डालेंगे। आपने 1 टीस्पून जो है वो खेवरा वाटर लेना है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मिक्स करना है पानी में। 5 से 6 मिनट आपने इसी मीडियम फ्लेम पे जो है वो उसको पकाना है, उसके बाद जो है वो हम दम देंगे इसको। चले हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसको दम पे चढ़ाएंगे। 15 मिनट का दम पे चढ़ाएंगे। इस पे कोई ढक्कन के ऊपर आप जो है वो कोई भारी चीज रख दीजिए। चले 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट हमें हो गए हैं, चले हम देखते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। चावल जो है वो बहुत खिला खिला बना है, बहुत जबरदस्त बना है जैसे कि हमें चाहिए था, और खुशबुएं भी बहुत जबरदस्त आ रही हैं। चलें अब हम सर्व करते हैं। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको बहुत इजी लगी होगी और बहुत आसान लगी होगी। डू ट्राई एट होम एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चले मैं फिर आऊंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।